क्यों बोलते रहो? अभी सिर्फ यहीं पे वीडियो शूट करनी स्टार्ट करी, अभी मैं यहाँ पे आया। 10 से 15 साल तक के बच्चे भी, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। यहाँ पे मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे अगर कोई बंदा आके ब्लॉग भी बनाना चाहे ना, तो अपने इंडिया का कल्चर ही खराब हो। अपने इंडिया का कल्चर कहाँ चले गए? शिमला वाले बैठे ना साहब, देखिए आप कुछ आप बता रहे थे इस देश के बारे में, कुछ वो लड़का बता रहा है देश के बारे में। सुना था इनको? शर्मा जी से मिलना बाद में, ठीक है? सुनो मेरी बात, देश अच्छी जगह जा रहा है, जाएगा भी अच्छा। हाँ जी, जो नई जनरेशन है वो अच्छी नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही अच्छी जनरेशन? क्यों नहीं जा रही? क्या कर रही है वो? बीड़ी सिगरेट पी के अच्छी जगह जा रही है क्या वो? वो तो पहले भी पीते थे सर, पहले भी पीते थे। बात बताइए, यू अपना आप हरियाणा में चला जाइए, औरतें हुक्का लगा के बैठती हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, घूंघट मार के हुक्का पीती रहती हैं चौपाल में। लेकिन मैं इस बात का जरूर का इनकी बात का हामी भरता हूँ कि शराब सिगरेट और ये जो धूम्रपान है, ये जो नशा है, इस पर लगाम लगना चाहिए। मैं रोज दो चार होता हूँ, दो चार लोग रोज मुझे कहना पड़ता है, भैया चुपचाप बैठो, मैं आया तुम्हारा काम। मैंने कहा जी ऑफकोर्स यू कैन ऑफकोर्स। हमारे देश की युवा हैं और मुझे बहुत विश्वास है कि बहुत देश में आगे जाएंगे, क्योंकि इनके सवाल है, मन में सवाल आया। और इस 5000 के, इन्होंने कहा कि कांग्रेस को हिस्ट्री देखनी चाहिए, बात है, क्योंकि इस 5000 के भीड़ में भी उन्होंने सवाल किया। ये मैं उनके साहस का और मैं उनको शुभकामना भी देता हूँ। देश की बेटी है, इसको साहस साहस है, और बिहार की। मैं थोड़ा सा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकल जाओ, और आप जो मुझसे सवाल किया कि हम कांग्रेस के लोग इतिहास की नहीं बात करते हैं, आपको मैं दो वाक्य बताऊंगा इस डिफेमेशन के। लाला लाजपत राय और गांधी जी की बात करूंगा, 27 नवंबर 1909 की भी बात करूंगा, और अभी की मैं बात कर देता हूं जो आपने इतिहास की बात की। आप जिस इतिहास की बात कर रहे हो, यही कांग्रेस पार्टी है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी और पकौड़े और तलने की बात होती तो 1954 में सेल नहीं होता, 1956 में IIT नहीं होता, 1956 में एम्स नहीं आता, 1956 में DRDO नहीं आता। आपको इससे लंबी फेहरिस्त है, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन कांग्रेस ने बुनियाद रखी, मैं नहीं कहता, हर सरकार आती है और जो क्रम चलता है उसको आगे बढ़ाती है, लेकिन कांग्रेस ने जो बुनियाद रखी है उसी बुनियाद को तो कोई सरकार आगे बढ़ाएगा। तो आपने जो कहा कि कांग्रेस कुछ नहीं किया, आप इतिहास में जाओ, तो मैंने आपको बताया। दूसरी बात, 27 नवंबर 1919 में, आप सुन लीजिए मैडम, आपके मैं बता देता हूं, 27 नवंबर 1919 में लाला लाजपत राय ने द डेली एक्सप्रेस के अगेंस्ट में उन्होंने मानहानि फाइल किया, तो उसमें महात्मा गांधी ने ऑब्जर्व किया था। तो उस कोर्ट ने पता है क्या किया? उस कोर्ट ने बोला कि चूंकि आप एक लॉट के बारे में आपने बोला है तो ये हो ही नहीं सकता, उन पर उस जो केस लड़ने का $50 उन पर फाइन कर दिया गया उस केस के लड़ने का भी। तो महात्मा गांधी ने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने बोला कि इस कॉलोनियल एरा में, इस ब्रिटिश राज में, आपको कभी भी आपको इस जस्टिस नहीं मिल सकता है। एंड आई एम रेफरिंग टुडे इधर राहुल गांधी के लिए, जो आप उसको फंसाना चाहते हैं वो इस शासन में संभव नहीं है। ऑफकोर्स, हाँ मुझे समझ आ।